स्टूडेंट, दिस इज लक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेशमेंट स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 से चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है अनोखा संकट। आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में हमारे देश में एक बीमारी, मतलब बहुत बीमारी फैली हुई है, जिसका नाम है कोरोना। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर है, कोरोना के फैलने के कारण है, उसकी रोकथाम है, हम उसे कैसे बचा जा सकता है, उसे कैसे लोगों को जागरूक करें, कैसे लोगों को समझाएं कि ये ऐसी बीमारी है कि मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई अफवाह ना फैलाए। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले साल जो जून का महीना था, बहुत गर्मी थी, संपूर्ण धरती जल रही थी, पक्षी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। बरामदे में एक किनारे गोरैया के कुछ धागों पर पत्तियों से घोंसला बना हुआ था। कुछ मायनों में इसे घोंसला नहीं कहेंगे, आकार प्लेट की तरह था। इसमें दो भी अंडे थे। सोनल, जो एक लड़की है, बहुत ही आकर्षक लगता था। मैं कुर्सी पर बैठी थी, कोई कहानी पढ़ रही थी, इतने में मोबाइल की घंटी बजती है। फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन स्पीकर ऑन करती हूँ, बोलती है, मैं सीमा बोल रही हूँ, मैं सोनल बोल रही हूँ। आवाज़ में बहुत घबराहट होती है। वो लड़की बोलती है कि मैं सोनल बोल रही हूँ। बोलती है, क्या हुआ, इतना घबराई भी क्यों? तो वो बोलती है, मेरे दादाजी का तबीयत लगातार ख़राब होते जा रहा है। अनवरत मतलब होता है लगातार ख़राब होते जा रहा है, और मेरे घर पे मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो वो बोलती, तुम परेशान मत हो, मैं तुरंत आ रही हूँ। और इतना कहकर सीमा उसके घर के लिए निकल पड़ती है, और वहाँ पहुँच कर दादाजी को बहुत तेज़ बुखार, सांस लेने में परेशानी हो रही है। डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करता है। आधा घंटा की मेरा डॉक्टर पीपी किट पहन कर आ जाता है। पीपी किट तो सबको बारे में पता है, जो ऊपर से, जैसे इस डॉक्टर ने देखी, ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ को अपने ढक के रखा, वैसे वो डॉक्टर आता है, जाँच करता है, दवाएँ देते, फिर सीमा को कमरे के बाहर रहने बोलता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या हुआ, इन्हें कोई गंभीर बीमारी है? सीमा पूछती है। डॉक्टर साहब, नहीं, गंभीर बीमारी नहीं, एक संक्रामक बीमारी, मतलब भी इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन है जो फैलता है। तो सीमा बोलते हैं, इन्फेक्शन कौन सी बीमारी है? संक्रामक बीमारी टीबी है। बोलते हैं, नहीं, इसमें दो गज की दूरी बना के रखिए, कुर्सी पर बैठे, इनके आसपास कोई मत रहो। तो डॉक्टर साहब, अब बताइए ना, दादाजी को हुआ क्या? वो बोलता है, दादाजी जो है आपके कोरोना संक्रमित हो गए हैं, घर से बाहर गए थे। तो वो बोलती है, 8 दिन पहले दूध लेने गए थे, अभी तो नहीं गए थे। तो डॉक्टर बोलता है, हाँ, बस जिस दिन दूध लेने गए थे, दूध जो विक्रेता था, कोरोना हुआ और दूध की थैली को उसके छूने के कारण जो कीटाणु थे वो इनमें चिपक गए, और वो तुम्हारी दादाजी के अंदर आ गए हैं। तो डॉक्टर सोनल बोलती है, इसका मतलब अब घर में सब कुछ इन्फेक्टेड, मतलब सारी चीज़ें छूने लायक नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़र कीजिए, और हर एक सामान को सैनिटाइज़र कर दीजिए, और सावधानी रखिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं, वो बोलती है कि कौन कौन सी सावधानी हमें रखने चाहिए? वैसे तो सबको पता है, फिर भी एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी प्रश्न है। हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर लेना चाहिए। आप भी अपने घर में ध्यान रखिए, आप अगर छींक रहे हैं, किसी को खांस रहे हैं, तो अपने हाथ में रुमाल रखिए। सीमा बोलती है, ऐसा इससे क्या होगा? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नाक और मुंह में जल, ऐसी बूंदें, नन्ही बूंदें निकलती जो हमें दिखाई नहीं देती, और दूसरा को कोरोना हो सकता है। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए? तो इसके अलावा है कि हमें अंडा नहीं खाना चाहिए, मांस का सेवन बिल्कुल नहीं चाहिए, ना किसी के घर जाना चाहिए, ना ही किसी को घर अपने बुलाना चाहिए। आवश्यक हो तो मास्क लगा कर ही जाना चाहिए, सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या मास्क लगाने में कोई सावधानी रखनी चाहिए? तो डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि हाँ, मास्क को हाथ नहीं लगाना चाहिए, भूलवश अगर हाथ स्वच्छ ना हो तो मास्क को संक्रमित हो सकता है, जोखिम बढ़ सकता है। मास्क लगाते समय मुंह, नाक, ठोड़ी पूरी तरह ढकी भी होनी चाहिए, चेहरे भी मास्क को उतारना, केवल फीते को हाथ लगाना चाहिए, मास्क पे कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। सबको मास्क अपना अलग अलग रखना चाहिए, किसी का यूज़ किया हुआ मास्क कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यात्रा करते समय भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, कोरोना का संकट उस समय बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सार्वजनिक वाहन होते हैं, सब लोग वहाँ पे बैठते हैं, किसी भी फंक्शन में या समारोह में भी तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। तो सोनल बोलते हैं, डॉक्टर साहब, एक बात तो मैं बोलने भूल गई, डॉक्टर के ये कोरोना की संरचना कैसी हुई, मतलब ये बीमारी कहाँ से आई? तो डॉक्टर बोलते हैं, ये अनुसंधान का विषय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि एक ऐसा विषाणु है जिसकी संरचना में बदलाव होता रहता है, अधिक उम्र वालों पर ये, मतलब कि हमारा जो
जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने बताया कि ये जो कीटाणु है ये बदलते रहते हैं, और जिसकी उम्र ज़्यादा है उस पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि जैसा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमी होने के कारण, मतलब हमारे इम्यूनिटी अगर कम हो जाता है तो हमें ये रोग हो जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ तुमने ठीक समझा, कम उम्र वालों में संक्रमण बीमारी से शीघ्र ठीक हो जाते हैं, जबकि अधिक उम्र में जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। तो सोनल बोलती है ठीक है, हम कोई घरेलू मतलब नुस्खे हो जिससे हम अपने इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकें, डॉक्टर से वो ऐसा पूछती है। हाँ आयुष मंत्रालय ने इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं हमें, मतलब दी अदरक तुलसी काली मिर्च अजवाइन का काढ़ा पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, अगर गले में हल्की सी तकलीफ हो तो भाप ले लेनी चाहिए, और इतने भी लाभ ना मिले तो हमें हॉस्पिटल फौरन जाना चाहिए। डॉक्टर साहब इस जानकारी लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर आप लोगों को बिना घबराए मेरी बात ध्यान सुनने के लिए भी आपका धन्यवाद। इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि जो अभी बीमारी हमारे देश में चल रही है कोरोना, उससे हमें भी सावधान रहना चाहिए और दूसरों को भी सावधानी बरतने के लिए कहना चाहिए। मास्क का उपयोग ज़रूर करें, कहीं बाहर आए जाएं तभी मास्क पहनें, और अगर ज़रूरी ना हो तो घर के अंदर ही रहें। इस चैप्टर से ये कि स्वच्छता के साथ साथ हमें समझदारी और सजगता से हर बीमारी से हम मुक्ति पा सकते हैं। अच्छे से रीड करिएगा, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। थैंक यू।